गाया गाया हरि गुण गाया Thank you.
लाज छाण गिरधर भजी, भक्तमालकार परिचय देते हैं मीरा का। पर मीरा के उस भाव भरे नृत्य को देखता कौन है? कोई विषयी संसारी पुरुष नहीं, साधु संत भाव सिद्ध महापुरुष आते हैं मीरा जी के इस प्रेम उन्माद का दर्शन करने के लिए, प्रीति प्रसाद पाने के लिए। साधु आता है, संत आता है, जन्म जन्म के योगी आते हैं इस प्रेम भावना का दर्शन करने के लिए, गिरधर के श्री चरणों के अनुराग से स्वयं के चित्त को रंजित करने के लिए, क्योंकि जानते हैं भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजा। आपको और मुझे भी अवसर मिला है उस भक्तिमती की इस भाव भावना में गोता लगाने का। एक संत कवि ने कहा है कि बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से, तू क्यों छिपा ओट में पगले भीजन के डर से। आपको देखकर ऐसे ही लगता है जैसे आपको इस प्रेम रस में भीगने से डर लगता है, ऐसा तो नहीं है ना? प्रेम से कहिए, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे जगन्नाथपुरी जब गए तो वहां पर सुनकर आनंद हुआ। कीर्तन के बाद कहा जाता था खोल करताल की जय। तो ये तन का खोल और ये कर की ताल, इसकी जय हो जाए तो ये गोविंद के गुणानुवाद में लग जाए, जय हो जाए इसकी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जिसके बिना श्री मीरा जी ने कहा था कि हुकुम साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, यही वो सुख और आनंद था। अकुला रहे थे मीरा के प्राण, भोजराज ने व्यवस्था कर दी, श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। समय सरकता रहा, जीवन आगे बढ़ता रहा, मीरा की भाव भावना प्रतिदिन प्रतिपल, वो जिसका भजन करती है वो भी कुछ ऐसा ही है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, वो भाव भावना भी प्रतिदिन प्रतिपल नित नवायमान होती रही। पर जैसा मैंने अभी कुछ देर पूर्व निवेदन किया कि भक्ति की बेल फलती फूलती है प्रतिकूलता के वातावरण, भोजराज का वो आश्रय, वो अवलंब, वो अनुकूलता बहुत दिन तक रही नहीं। एक युद्ध में विष बुझा शस्त्र भोजराज को लगा, बड़ा गहरा घाव, ज्वर उतरता नहीं था। और एक रात्रि
श्रावण का महीना, महल की छत पर पोड़े थे भोजराज और मीरा। श्री मीरा जी अपने भावावेश में थी, भाव में दर्शन हो रहा था वृंदावन की हरितिमा का। मन ही मन दर्शन कर रही थी श्री मीरा जी वृंदावन की किसी निवृत्त निकुंज में एक सुंदर भाव झांकी का। झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका, ए जी कोई गावे गीत मल्हार, झूले रानी राधिका। नानी नानी बूंदन झर लाग्यो जी, नानी नानी बूंदन झर लाग्यो जी, ए जी कहूँ बरसत मूसलधार, झूले रानी राधिका जी कोई गावे गीत मल्हार, झूले रानी राधिका। पियू पियू पपीहा कर रयो जी, पियू पियू पपीहा कर रयो जी, कहूँ पग पायण झनकार, झूले रानी राधिका जी कोई गावे गीत मल्हार, झूले रानी राधिका। इत और ललिता उत और विशाखा, इत और ललिता उत और ओ झूले हलवेली सरकार, झूले रानी राधिका, ओ कोई गावे गीत झूले रानी राधिका। उसी भावावेश में मीरा जी ने देखा कि श्री किशोरी जी कृपा करके उन्हें सन्निकट बुलाती हैं, और वहीं दूर खड़ी श्री मीरा जी स्वप्न में इस भाव का दर्शन करती हैं। और जब भावना प्रगाढ़ हो गई, स्थूल देह पर उसका लक्षण प्रकट हुआ, तो वहीं शैया पे पौड़ी दौड़ कर जाने लगी। और जैसे ही छत पर पौड़ी थी और जैसे ही झरोखे के बिल्कुल निकट पहुंची, भोजराज की आंख खुली, दौड़कर श्री मीरा जी को पकड़ा, पुनः शैया पर पौढ़ाया, दासियों को बुलाया, उन्होंने जल छिड़का, किंचित उनका भावावेश शांत हुआ। इस बीच एक तो भोजराज का जो घाव था वो पुनः हरा हो गया, और दूसरा मन पर एक घाव लगा जिससे भोजराज कभी उबर नहीं पाए कि इस एक लिंगनाथ के सेवक ने प्रथम दिन वचन दिया था कि भोजराज कभी आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आई कि आपके प्राणों की रक्षा हेतु मुझे 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 अपने अपने वचन से फिर जाना पड़ा। मीरा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि जो कर्म स्वार्थ से किया जाए सो अपराध की श्रेणी में आता है, आपने तो हित के लिए किया, लेकिन भोजराज अपने मन को कभी समझा नहीं पाए, भोजराज अपने मन की इस पीड़ा का कभी निवारण नहीं कर पाए, और बहुत अधिक दिन इसके पश्चात भोजराज का जीवन नहीं रहा। घाव कभी सूखा नहीं, और तन का घाव सूख भी जाए तो मन का घाव हरा था, भाव घाव कभी सूखा नहीं, अंतिम घड़ी निकट आ पहुंची। मीरा जी सिराहाने बिराजी थी, भोजराज के नेत्रों में पिपासा थी। मीरा जी ने कहा कुछ फरमाएंगे, भोजराज ने अध खुले नेत्रों से मीरा जी की ओर देखा और बस केवल इतना ही कहा कि एक बार दर्शन हो जाते
तो ये भोजराज सानंद विदा हो जाता। भोजराज की वाणी की वो पीड़ा विगलित कर गई मीरा के चित्त को, जिसने आज तक कभी याचना नहीं की थी, जिस हृदय ने आज तक कभी प्राणाराध्य के चरणों में कोई प्रार्थना नहीं की थी, क्योंकि जानती थी कि वो बिना बोले सब जानते हैं। आज सहसा भोजराज की इस याचना पर मीरा के होंठ, मीरा के भाव मुखर हो उठे, एक प्रार्थना निवेदन कर दी अपने गिरधर गोपाल के चरणों में। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, भरी द्रौपदी पुकारी, राखो लाज हमारी गिरधारी रे, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी बलिहारी रे, राखो लाज हमारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधर मीरा के प्रभु गिरिधर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण शरण बलिहारी बलिहारी रे, चरण शरण बलिहारी गिरिधारी रे, आपसे निवेदन किया था ना, कई बार ऐसा होता है ना कि घटना कहीं और घटती है और उसका परिणाम कहीं और दृष्टिगोचर होता है, कहीं दूर हिमपात होता है और शीत लहर चलती है यहां। ठीक ऐसे ही पुकारा मीरा ने गिरधर को और कृष्ण प्रत्यक्ष हो गए भोजराज के नेत्रों के सन्मुख, बाह फैलाए सन्मुख खड़े थे। पीतांबरी कसी थी होठों पे कुछ हंसी थी, और मानस कहती है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत रा कही आवत। जन्म भर के साधन की परीक्षा उसी घड़ी में तो होती है कि प्रभु का स्मरण हुआ कि नहीं, और यहां तो जिनके नाम से भव सिंधु सूख जाए, जिनकी लीला कथा नौका के समान जीव को सहज उस पार पहुंचा दे, वो रसिक शेखर, वो भक्त जन सर्वस्व, वो मीरा के प्राण धन, वो मीरा के इष्ट आराध्य, वो गिरधर गोपाल भोजराज के सन्मुख थे। नेत्र मूंदे पुकारती है मीरा और सन्मुख खड़े हैं कृष्ण भोजराज के मंद मंद मुस्कुराते कि भोज मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। भोजराज मानो पूछ बैठते हैं कि प्रभु मैंने तो कभी जीवन भर भजन नहीं किया, साधन नहीं किया, और तो और मुझे तो आपके अस्तित्व पर भी एक अविश्वास सा रहा, कभी भर विश्वास से दो घड़ी आपका नाम नहीं लिया, और दास पर आपकी ऐसी करुणा, आपकी ऐसी प्रसन्नता। श्री कृष्ण मौन रहे और बड़े बड़े प्रेम पूर्ण स्नेह सिक्त नेत्रों से एक बार भोजराज के सामने श्री मीरा जी को देख भर लिया, मानो कह देना चाहते हूं अहम भक्त पराधी, भक्त के हृदय का संकल्प मेरा ही संकल्प है और मुझे अपनी सेवा करने वाले से कहीं अधिक प्रिय अपने भक्त का सेवक लगता है, और मीरा के लिए तुमने जो किया, तुम्हें अपने चरणों में क्या अपने हृदय में स्थान देकर भी ये ऋण उतारा नहीं जा सकता। भोज कहते कहते श्री ठाकुर जी ने दोनों हाथ पसार दिए। तुम सामने खड़े हो
मैं सजदा कर रहा हूं, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। जन्म कृतार्थ हो गया, मनुष्य होना सफल हो गया, सार्थक हो गया, जो दृष्टि भर के उस रूप को भोजराज ने देख लिया और श्री कृष्ण के उसी रूप का दर्शन करते करते बड़ी सहज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भोजराज ने नेत्र इस संसार से सदा के लिए मूंद लिए। एक बार तो श्री मीरा जी के नेत्रों से भी अश्रुओं की झड़ी लगी, पर अगले ही दिन वो पुनः अपने गिरधर गोपाल की सेवा में लग गई। एक बड़े विलक्षण से भावोन्माद का दर्शन श्री मीरा जी के चरित्र में पदे पदे होता है। आप और मैं शायद मन बुद्धि से उसकी कल्पना भी न कर सके, ऐसा भावोन्माद श्री मीरा जी के जीवन में पदे पदे परिलक्षित हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है। इसलिए मुझे यद्यपि संत सवय गुरुदेव है, पर लेकिन मुझे निजी रूप से अत्यंत प्रिय ये चरित्र है, क्योंकि भक्ति का पूर्ण प्रफुल्लित रूप प्रत्यक्ष करके दिखाया है मीरा जी की एक एक चेष्टा में। वो कृष्ण प्रेम जो सब प्रकार से अनिर्वचनीय है, जो कहा नहीं जा सकता, पर मीरा ने अपनी अपनी चेष्टा से अपनी भावना से उसे मानो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है, उसे मूर्त कर। अगले ही दिन मीरा अपने गिरधर गोपाल की सेवा में लग गई। 12वें दिन घर की बड़ी बूढ़ी औरतें आई सौभाग्य सूचक वस्त्र और आभूषण उतरवाने, पर मीरा जी ने आभूषण उतारने से मना कर दिया। भोजराज चिता पर हैं, तब भी मीरा 16 सिंगार किए खड़ी हैं। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से मीरा जी ने आभूषण उतारने से मना कर दिया कि मेरा पति मरा हो तो मैं सौभाग्य सूचक के वस्त्र आभूषण उतारूं। मैं तो बार बार निवेदन करती हूं कि गिरधर गोपाल मेरे पति हैं और मेरा सौभाग्य अजर अमर है, मेरे सौभाग्य को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद से तो मीरा जी घृणिता हो गई ससुराल में, घृणा की दृष्टि से कुछ लोग उन्हें देखने लगे। मीरा जी के चरित्र पर, मीरा जी के चाल चलन पर और भांति भांति के आक्षेप होने लगे। पर ये भोला भाला भावुक मन सदा सर्वदा सबसे अछूता और सदा सर्वदा सबके हित का चिंतन करने वाला। मैं जब इस चरित्र का चिंतन करता हूं तो मन में विचार करता हूं कि आप और मैं भजन करते हुए किस मुख से अपने सुख की कामना कर सकते हैं। आप इस भक्ता का जीवन देखिए तो सही, जीवन भर अपमान पीड़ा तिरस्कार और प्राण आराध्य से दूर रहने की वेदना, उसका तो कोई पार नहीं। भगवत पार्थक्य का दुख, उसकी कोई सीमा नहीं। और चौं ओर से संसार भी प्रतिकूल, कहीं एक घड़ी भी तो चैन की दिखाई नहीं पड़ी, कहीं एक घड़ी भी तो सुख की आई नहीं। और अगर कभी किसी ने मीरा जी से कहा तो मीरा जी ने उत्तर भी यही दिया कि प्राण प्रियतम से मिलूं ना तो सुख आए भी क्यों जीवन में, मैं क्यों सुख की कामना करूं। प्रभु से दूर रहकर जीवन में सुख कैसा, अपने अपने प्राणाराध्य से विलग होकर जीवन में आनंद की कामना भी क्यों, इच्छा भी क्यों। ये सुखेच्छा ही तो भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यही तो भक्त के जीवन का सबसे बड़ा अभाव है कि वो प्रभु के बिना सुखी क्यों होना चाहे। आपके मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा अभाव है कि आप और मैं भगवान के बिना सुखी होना चाहते हैं। आरती करेंगे तो कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, फिर उसके बाद कोई आवे भले कभी मत आवे, पर पहले सुख संपत्ति आवे। आपकी मेरी प्रार्थनाओं में भी चतुराई है, कुटिलता है, पर भोजराज के चले जाने के बाद चहुं ओर से प्रतिकूलताओं की मानो बाढ़ आ गई, पर भक्त की दृष्टि से देखो तो बाढ़ नहीं आई। अर्थात अब भगवान भी चाहते हैं कि भक्त शीघ्र आकर मुझसे मिल जाए, क्योंकि जितनी शीघ्रता से भजन प्रतिकूलता में बढ़ता है उतनी शीघ्रता से अनुकूलता में नहीं बढ़ता। सुख जीवन में एक एक प्रमाद लेकर आता है, बहुत आराम जीवन में प्रमाद लेकर आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जेठ का महीना हो,
और आपके कमरे का एसी नहीं चलता हो तो कोई आशा संभावना ही नहीं कि आप 10 बजे तक सोए रहेंगे, जगना ही पड़ेगा। और उल्टे तो होगा, ऐसे रात भी समय देख देख कर कटेगी। और वहीं दूसरी ओर मखमली गद्दा हो, खूब खूब ठंडा वातानुकूलित कक्ष हो, तो आप कहेंगे चलो थोड़ी देर और सो लें, चलो थोड़ी देर और सो लें। कुछ लोग तो मैंने देखा वो कहेंगे आज तो संडे है, ठाकुर जी की भी छुट्टी है, देर से ही श्रृंगार होगा। ऐसा तो थोड़ी सी भी शारीरिक अनुकूलता जीवन में आए तो जीवन में प्रमाद आता है, आलस्य आता है, और प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। सन्मुख होते हुए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चौं ओर समान रूप से व्याप्त होते हुए भी अगर भगवत अनुभूति में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो क्या प्रमाद ही तो है। अब जब जाड़ा लगाए तो दुशाला अभी चाहिए, भूख लगी है तो भोजन अभी चाहिए, और जब बात भजन की आए हाँ तो बोले ठीक है कर लेंगे, कभी कर लेंगे, कभी समय मिलेगा तो जाके दो घड़ी सुन आएंगे, कभी समय होगा तो कर लेंगे। ये प्रमाद ही तो जीवन के अभाव का कारण है। चाहू और प्रतिकूलताओं की बाढ़ आ गई, गद्दी पर बैठे राणा विक्रमादित्य जो मन से वचन से कर्म से अभक्त अज्ञानी मूढ़ कुटिल, और मीरा जी के तो सर्वथा प्रतिकूल। जैसे ही गद्दी पर बैठे, जैसे ही गद्दी पर बैठे मानो मीरा जी के लिए तो पग पग पथ में कांटे बिच गए हों, पर बाईसा का मन अभी भी अनुकूल। मैंने कहा ना सदा सबसे अछूता मन, और यही बात भगवान को बांध लेती है, यही बात भगवान को आकर्षित कर लेती है। दृढ़ है मीरा जी के हृदय में ये विचार, को न काओ सुख दुख कर दात, निज कृत कर्म भोग सब भ्रांत। और वैसे भी देखा जाए तो पीड़ा जो है, कष्ट जो है, वो आत्मा का स्नान है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए जीवन में पीड़ा, जीवन में कष्ट आता है। चलते चलते संसार में, रहते रहते संसार में हम अनचाहा संसार अर्जित कर लेते हैं अपने भीतर, और बस भगवान थोड़ा सा निग्रह करते हैं, जीवन में कोई ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिससे अंतःकरण का शोधन हो सके, मार्जन हो सके। ये प्रभु द्वारा की हुई व्यवस्था है। लेकिन मीरा जी का उसी प्रकार साधु संतों की भीड़ में कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचना बना रहा, राणा विक्रमादित्य से ये बात कैसे सहन हो सकती थी। जिस घराने की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा भी उनकी इच्छा के बिना न देख सकते हो, उस समय चौक चौराहे पर मीरा जी ने तो स्वयं कहा, लोग कहें मीरा भैरे बामरी, सास कहे कुल नासी रे। और भोजराज के चले जाने के बाद तो अभी कहीं मन का एक कोना था जो कहीं भोजराज से बंधा था, भले वो मित्र भाव से क्यों ना बंधा हो, सब अवलंब टूट गए, सब आश्रय छूट गए, एकात्म एकाग्र मन श्री कृष्ण की ओर प्रवाहमान होने लगा। अब तो मीरा उन्मत्त होकर साधु संतों की भीड़ में जैसे ही अपने गिरधर लाल का दर्शन करती, जब ते मन मोहन दृष्टि पड़ो माई, तब ते परलोक लोक कछुना सुहाई, मोरन की चंद